बिजली करंट की चपेट में आने से पति पत्नी की हुई मौत। करौंदी से हमारे संवाददाता असलम अंसारी की रिपोर्ट। करौंदी प्रखंड के सिसरी पंचायत के बैतरी गांव से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बिजली करंट के चपेट में आने से पति पत्नी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बैतरी निवासी अनिल प्रजापति 38 एवं पत्नी सरिता देवी 35 की शनिवार की सुबह 7 बजे अपने खेत में मूंग तोड़ने गए हुए थे, जहां खेत में लगे मोटर पंप चालू करने के पश्चात सरिता देवी बिजली की करंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब पत्नी वापस नहीं आई तो पति अनिल प्रजापति बचाने के लिए वहां गए, वो भी करंट की चपेट में आ गए, जहां पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। उनका बड़ा बेटा मुकेश प्रजापति 15 वर्ष ने बताया कि हम अपने माता पिता का खाना लेकर अपने खेत जोगीमाड़ा पहाड़ गए हुए थे तो देखा कि दोनों माता पिता मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, जहां मुकेश ने रो रो कर हाहाकार मचाने लगा। आसपास के लोग पहुंचे और शव को घर लाए, जहां गांव में पूरा मातम सा छा गया। साथ ही माता पिता ने अपने 2 बेटे और 2 बेटी को छोड़कर चले गए, जहां कोई उन लोगों का सहारा नहीं है। बड़ा लड़का मुकेश प्रजापति 15 साल, वहीं सुजीत प्रजापति 9 साल, लड़की विनीता कुमारी 18 साल और खुशबू कुमारी 13 वर्ष का उम्र बताया जा रहा है। वहीं इस घटना को सुनकर सिसरी पंचायत मुखिया पति उदय अलबेला, खरौंधी प्रमुख देवदत्त प्रसाद आर्य, बिस्तुत्री अध्यक्ष राजेश कुमार रजक, विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र यादव, पूर्व बीडीसी लव कुश प्रजापति, पूर्व मुखिया हरेंद्र साह, एक्सियोस बड़ा सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं उप मुखिया और बिस्तुत्री अध्यक्ष ने लगाया बिजली विभाग पर घोर लापरवाही। बिस्तुत्री अध्यक्ष राजेश कुमार रजक और उप प्रमुख देवदत्त प्रसाद आर्य ने इस घटना पर दुख जताते हुए बताया कि बिजली विभाग की इसमें घोर लापरवाही है। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मियों द्वारा समय समय पर लोगों से पैसा वसूल तो लिया जाता है और पैसा नहीं देने पर लाइन काट दी भी जाती है, लेकिन ग्रामीणों को परेशान किया जाता है। जो कभी बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में बिजली को तार को नहीं देखा जाता कि साथ ही नाबालिग बच्चे लोग को बिजली विभाग के मुआवजा की मांग की है। कनीय अभियंता ने दुख जताते हुए हर संभव मदद करने को भरोसा दिलाया। कनीय अभियंता गुणवंत कुमार ने इस घटना को दुख जताते हुए बताया कि यह बहुत ही दुखद घटना है और बिजली विभाग के द्वारा हर संभव मदद किया जाएगा। साथ ही कनीय अभियंता ने बताया कि जनप्रतिनिधि द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कर्मी समय पर बिजली का देखरेख नहीं करते हैं, अगर कहीं गलत पाया जाता है तो लिखित आवेदन दे, बिजली विभाग के कर्मी पर हर संभव बिजली को ठीक करने के लिए तैयार है। गए ना तो हम गए, कितना टाइम हो गया जा रहे हैं खाना लेकर गए तो देखे कि दोनों क्यारी में थी, ऐसी पड़ी थी दोनों, करंट लगा था, पहले ही लग गया था जाने से पहले, मैंने वहाँ जब गए तो वो लोग मृत थे। यह घटना बहुत दुखदाई है और इस घटना का हम घोर निंदा करते हैं बिजली विभाग को। बिजली विभाग को सिर्फ यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी को, उनके जो यहाँ कर्मी हैं काम करने वाले हैं, उन लोगों को सिर्फ लाभकों से पैसा चाहिए और कनेक्शन तार दे देगा, उसका यह जानकारी नहीं लेगा कि क्या परिस्थिति में वहाँ पर ताल है कि नहीं, पोल है कि नहीं, सिर्फ उसको आएगा और पैसा चाहिए, पैसा नहीं देने के बाद अनावश्यक तार काट करके लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए सारा लापरवाही बिजली विभाग का है। बिजली विभाग ऐसे कृत्य से अगर नहीं पा जाता है तो हम लोग पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे। यह घटना अप्रिय घटना है और बिजली विभाग का पूरा लापरवाही है। हम लोग चाहते हैं कि इस जो नाबालिग बच्चे हैं बिजली विभाग या सुनो को सरकारी लाभ दे, मुआवजा दे, हाँ मुआवजा दे।